गोमती नगर में गिरी इमारत, पड़ोसी ने लगाया अवैध निर्माण का आरोप। गोमती नगर स्थित विराम खंड में जीवन प्लाजा के पास जर्जर इमारत भरभरा कर गिर पड़ी, जिसके गिरने से बराबर के मकान में आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम बचाव कार्य में लग गई। बताते चले कि करीब 2:30 बजे दोपहर में विराम खंड 5 में स्थित अशोक पांडे के मकान 5/21 की दूसरी मंजिल अचानक से गिर गई। मकान में ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल बना हुआ है, वह द्वितीय तल पर एक कमरा बना हुआ था। इमारत में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। मकान के गिरने से अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बगल वाले मकान में जहां पर बीएल रस्तोगी की क्लिनिक है उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह से वहां पर भगदड़ मच गई, जिसके बाद लोग बाहर की ओर भागने लगे। वहीं स्थानीय लोग का कहना था कि कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे हो सकते हैं, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। फायर सर्विस की गाड़ी की मदद से आग को बुझाया गया। मकान में एक वृद्ध महिला फंस गई थी, जिनको सकुशल बचा लिया गया है। हमारी दादी ऊपर में थी, हमारी बहन ऊपर में थी, फिर प्रशासन आके उनको नीचे उतारा गया है और फिर सारे लोग जितने होस्ट जनता थे सब पहुंचे हैं और बचाया गया है। इसमें कुछ लोग के घायल या किसी की नहीं अभी तक ये अनुमान नहीं है कि कोई घायल नहीं है। अच्छा, कोई घायल नहीं, हम लोग 20-25 लोग नीचे थे, सब बाहर आ गए थे और सब लगभग सब सुरक्षित थे। जब ये घर गिरा था तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे? सब बैठे हुए थे घर के अंदर, पता नहीं चला कि हम लोग नीचे बैठे हुए थे। जब घटना घटी तो हम लोग भागते हुए बाहर आए कि क्या बात है, उसी शॉर्ट सर्किट से हम लोग को ऑफिस भी गए। अच्छा, शॉर्ट सर्किट हुआ उसकी वजह से और आपको घर गिर गया। और ये जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, क्या उस टाइम जब घर गिरा तो वहाँ पे कुछ लोग थे? हाँ हाँ, 4-5 मिस्त्री थे और 4-5 लेबर भी थे और 2-3 दो ठेकेदार थे, सब कूद कूद के भागे हैं। बगल वाले घर में जो एकदम से घर गिरने की आवाज़ आई, हम लोग बाहर आए, थोड़ी देर बाद हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग वगैरह लग गई। तो हम लोग, मैं और मेरी बुआ। कितने बजे हुई? अभी 1-2 घंटे पहले। अच्छा, समय क्या हो रहा होगा अंदाजा? समय 3 बज रहा था। अच्छा, घर में आग लग गई तो हम लोग बाहर निकले और उसके बाद ऐसे और नीचे का पोर्शन हमारा पूरा जल गया है। अच्छा, और पीछे की तरफ हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, दीवार छिटक गई, छत की पीछे की छिटक गई है और टंकी फट गई है, नीचे का सब जल गया है, पोर्शन दीवारें वायरिंग सब जल गया। ये थी हमारे संवाददाता मोहम्मद जिशान की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।